Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूँ. मैंने आपको अगली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक सीरीज़ चालू होने वाली है जो हमारी अभी फ़िलहाल चालू हो चुकी है. GST की सीरीज़ जो हमारी चालू होने वाली है, GST की सीरीज़ का ये पार्ट टू हमारा दूसरी वीडियो है. उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि GSTR 1 क्या है, किसे फाइल करना है, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है. आपको अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि GSTR रिटर्न क्या होता है, GSTR 1 किसे फ़ाइल करना है, 2 किसे फ़ाइल करना है, 3 भी किसे फ़ाइल करना है, उसकी आपको डिटेल होनी चाहिए. तो आज के इस वीडियो में हम सीरीज़ वाइज पार्ट वाइज हम देखते रहेंगे कि वीडियो आज हमारा लेक्चर है GSTR 1 का. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे GSTR 2 है, और इसके पहले वीडियो में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी GST के रिलेटेड. आज के इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं GSTR 1 की. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. सबसे पहला कुछ क्वेश्चन आंसर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर दूंगा. फर्स्ट है कि GSTR 1 क्या है और किसे फाइल करना है. तो देखिए GSTR 1 है वो मासिक के रिटर्न है, ये मंथली रिटर्न होता है, और हर जो भी GST में रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपोजिशन स्कीम में जो नहीं आता, वो हर टैक्स पेयर को, रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR 1 मंथली रिटर्न करना है. इसके बाद है माल अने बाह्य विगतों अथवा कर गाड़ा दरमियान सेवाओं GST पोर्टल पर ये हमें मंथली रिटर्न करना होता है. हर मंथ में आपको GSTR 1 भरना होता है. यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि मंथली का क्वार्टरली आप कब सिलेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर हुए हो तो आपको क्वार्टरली मतलब 3 मासिक रिटर्न फाइल करना होता है. उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि अगर आपका टर्नओवर ईयरली टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का हो, या तो फिर मंथली या करंट ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का है, यहाँ 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर करवाना होता है. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के फाइल रिटर्न, 3 मासिक फाइल रिटर्न कर दी है हमने, 3 मासिक रिटर्न मतलब मंथली रिटर्न कर दी है, GSTR की रिटर्न कर दी है, उसके बाद क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. जी हाँ, उसमें चेंजेस कर सकते हैं. अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के तहत GST रिटर्न करा है तो आप चेंजेस नहीं कर सकते. और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि GSTR 1 फाइल करना क्या कंपलसरी है. तो देखिए कि GSTR 1 हर मंथली टैक्स पेयर मंथली भरना होता है. GSTR 1 हर रजिस्टर्ड पर्सन को कंपलसरी है GSTR 1 फाइल करना, हर टैक्स पेयर को कंपलसरी है. GSTR 1 की तैयारी के लिए कहाँ पर हमें फ़ाइल करना होता है, GSTR 1 कहाँ पर फाइल करना होता है. तो देखिए अब ये GST का पोर्टल है GSTGovernment.in, वहाँ पर जाकर आपको GSTR 1 फाइल करना होता है. GSTR 1 पर GST की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न फाइल पर क्लिक कर GSTR 1 डेटा पर आप फाइल कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है GSTR 1 में कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें फाइल करनी है. तो देखिए रजिस्टर व्यक्ति मतलब B2B इनवॉइस, बिजनेस टू बिजनेस अगर आपने सप्लाई किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है. इसके बाद
बी टू सी इनवॉइस की डिटेल। अगर आपने बिजनेस टू कंज्यूमर को कोई सप्लाई किया है, मतलब कस्टमर को आपने कोई सप्लाई किया है और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको उसकी डिटेल आपको यहाँ पर GSTR 1 में देनी है। और अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर कोई इश्यू किया है आपने, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देना है। और अगर कोई एक्सपोर्ट किया हुआ है तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। और आप अगर नील रिटर्न है तो भी उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर GSTR 1 में करनी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSTR 1 किसे नहीं भरना है, किसे फाइल नहीं करना है। तो देखिए, अगर कंपोजिशन स्कीम के तहत आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के तहत आपने अप्लाई किया हुआ है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको GSTR 1 नहीं भरना है। उसके लिए GSTR 4 दिया गया है। और बिन निवासी विदेशी करदाता हो, मतलब फॉरेन का जो भी करदाता हो, टैक्स पेयर हो, उसके लिए GSTR 1 नहीं फाइल करना है, उसके लिए GSTR 5 दिया गया है। और TDS कर कपात करनार TDS का जो दर होता है, उसकी डिटेल हमें GSTR 1 में नहीं देनी, उसकी डिटेल GSTR 7 में देनी है। इसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए GSTR 1 नहीं है, इसके लिए GSTR 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GSTR 1 के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई की हुई है। तो सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर आपने रजिस्टर किया हुआ है, उसका आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए और ID पासवर्ड भी होना चाहिए। इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर, मतलब डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि GSTR 1 फाइल कब ज़रूर पड़ सकती है, GSTR 1 की फाइल करना कब ज़रूर पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, GSTR 1 की तारीख क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि एक एग्ज़ाम्पल के तहत अगर आप मंथली रिटर्न करते हैं, टैक्स पेयर हो, मंथली टैक्स पेयर हो आप, तो आपको नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर की अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है, तो दिसंबर की 10 तारीख तक आप GSTR 1 की फाइल कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशंस के तहत कोई डेट लंबा दी हो, तो भी आप उस तहत आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद B2B पुरवठा, B2B सप्लाई क्या होता है। तो देखिए, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, पहले हमने ऊपर वीडियो में देखा बिजनेस टू बिजनेस, रजिस्टर्ड करपात्र कंपनी, व्यवसाय। बिजनेस टू बिजनेस में अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है GST में, इसी तरह सामने हमने जिसे सप्लाई किया हुआ है वो भी GST में रजिस्टर्ड है, तो B2B पुरवठा उसे कहते हैं। B2C पुरवठा किसे कहते हैं, B2C सप्लाई किसे कहते हैं। तो B2C का मतलब होता है रजिस्टर, मतलब हम तो रजिस्टर है, सामने हमने जिसको भी सप्लाई किया हुआ है वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे कहते हैं B2C। GST के Part 2 में हमने देखा कि GSTR 1 क्या होता है और किसे फाइल करना है, कब करना है, उसके बारे में हमने आज डिस्कस की। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि GSTR 2 किसे फाइल क्या होता है और उसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।